Assalamu alaikum viewers, Ali Rajput from sharmishow.com. So, ek another review mein aapke liye main lekar aaya hu USB camera ka review, jo ki viewers aap dekh sakte hain mere screen mein bahut hi compact size aur black color mein aata hai ye. Iska jo sabse bada benefit hai aapko ye hai ki ye rotatable hai. Aap jaise chahe marzi isko rotate kar sakte hain, isko kahin par bhi laga sakte hain. आपने जैसे इसको एनर्जी सोर्स देना है पावर बैंक के थ्रू भी देख सकते हैं, उसके अलावा आप किसी चार्जर के थ्रू भी देख सकते हैं. ऊपर से HD रिकॉर्डिंग करता है ये कैमरा. इसका 1080p का इसके अंदर कैमरा दिया गया है. वॉइस भी आपको इसके अंदर आपकी रिकॉर्ड की जाती है. इसके अंदर आपको माइक भी प्रोवाइड किया गया है. मेमोरी कार्ड के ऑप्शन होते हुए आप अपना जितना भी वीडियो का डाटा है वो आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं. सो इसको कैसे मोबाइल के साथ चलाते हैं, इसकी बॉक्स में क्या क्या आता है, इस पैकेट में क्या क्या आता है, उसको कैसे रीस्टार्ट करते हैं, इसको कैसे चार्ज करते हैं, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे. इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए. ये तो व्यूअर्स USB कैमरा की जो ये पैकिंग आप देख सकते हैं, ये इस पैकिंग में आता है. पैकिंग इनकी बहुत इस तरह से एक रैप में आती है, बट आपका जो कैमरा बीच में सिक्योर होता है वाटर से और अलग अलग चीज़ों से. सो अब इसकी अनपैकिंग करते हैं, अनरैप करते हैं, उसके अंदर देखते हैं आपको क्या क्या मिलता है कैमरा के साथ. यह है इसका USB कैमरा जो कि मेन कंपोनेंट है. उसके अलावा इसके अंदर आपको मिलता है इसका एक मैनुअल जिसको आप रीड करके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं. और आपको मिलती है इसके अंदर ये पिन जो कि आईफोन के लिए यूज़ होती थी, बट इसमें भी इसका एक बहुत ही मेन पर्पज़ है जो कि ये है कि जहाँ पर आप इस पिन को लगा के इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं. इस होल के अंदर इसका रीस्टार्ट का बटन होता है जो कि ऐसे नहीं दब सकता. बटन आपने जब भी कैमरा रिसीव करना है, जब भी कैमरा ऑन करना है, ऑन करने के बाद आपने वो बटन मस्ट दबाना है. उसके बाद ही वो कैमरा आपके मोबाइल में शो होगा, उसके अलावा वो कैमरा नहीं शो होगा. अगर हो जाएगा तो ठीक है, बट ये आपने रीसेट इसको मस्ट करना है. सो व्यूअर्स, इस साइड पे आप देख सकते हैं कि आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है. इसमें भी आपको मेमोरी कार्ड लगा के मैं दिखा दूँगा आपको. सो ये हमारा कैमरा है, किसी तरह से भी आप इसको टिल्ट कर सकते हैं. बहुत ही अच्छा इसके अंदर लेंस आपको प्रोवाइड किया गया है जो कि आपको HD 1080p की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है. सो ओवरऑल इसका जो मटेरियल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक सिलिकॉन है जो कि बेंड हो जाता है 360 के एंगल पर. इसका सॉलिड प्लास्टिक है, ये लेंस है इसका. ये इसका सारा ट्रांसमीटर है जिसके अंदर इसकी सारी बोर्ड है, जो जिसके अंदर यहाँ पर इसका मेमोरी कार्ड डलता है. ये इसका USB पोर्ट है. आप इसको किसी भी चार्जर के थ्रू किसी भी बोर्ड में कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है. किसी भी लैपटॉप में लगा सकते हैं, कंप्यूटर की बैक साइड पे लगा सकते हैं, कीबोर्ड में लगा सकते हैं जिसके अंदर USB की ऑप्शन होती है. कहीं पर भी आप इसको USB के थ्रू पावर देके इस कैमरा को ऑन कर सकते हैं. सो मैं आपको अब इसको कैसे मोबाइल के साथ पेयर करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा. जी, sharmishow.com जस्ट आपको प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं देती बल्कि प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है इस चीज़ का भी आपको इस वीडियो के अंदर रिव्यू प्रोवाइड किया जाता है. जी तो व्यूवर्स, अब इस कैमरा को कैसे ऑन करते हैं, कैसे मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं, ये मैं आपको चला के इस वीडियो में दिखाऊंगा. इस कैमरा को बोर्ड में लगा के वीडियो बनाना एक टिपिकल प्रोसीजर था और शायद उसकी साथ समझ भी ना आता किसी को. सो इसी के लिए इसको पावर देने के लिए मैंने पावर बैंक का अरेंज किया है. इस पावर बैंक का भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, ये भी आपको sharmishow.com वेबसाइट पे मिल जाएगा, अवेलेबल मिलेगा. बहुत ही अच्छा पावर बैंक है. सो चलते हैं इस कैमरा को इस पावर बैंक के साथ कनेक्ट करते हैं और इसका फर्दर जो भी प्रोसीजर वो आपको दिखाते हैं. व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी LED इंडिकेशन ऑन हो गई है. सो आपने इसके बाद करना ये है कि अपने मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नेम है V380 Pro. सो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, कैमरा को ऑन करना है. कैमरा को ऑन करने के बाद आपने वाईफाई में जाना है अपने. यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कैमरे का वाईफाई है ये आपके इस मोबाइल के इस वाईफाई में शो होना स्टार्ट हो जाएगा. सो फिर आप देख सकते हैं कि वाईफाई इस कैमरा का यहाँ पे शो हो गया जो कि MV4344-1810 की नेम से है. सो आपने करना ये है कि इसको कनेक्ट करना है. जी ऑलरेडी जिस तरह से आप नॉर्मली अपने वाईफाई को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कनेक्टिंग होने लगा है आपके मोबाइल फ़ोन के साथ. सो बस इसी तरह आपने एप्लीकेशन के अंदर जाना है. ये 380 Pro जिसका नेम है, इसको रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आप ट्राई विदाउट एन अकाउंट करें और यहाँ से कंटिन्यू करें. सो यहाँ पर आपको ये आपके कैमरे का वाईफाई शो हो रहा है, आपने इसको कनेक्ट पे रखना है.
सो इस तरह से ये आपकी एप्लीकेशन ऑन हो जाती है। सो यहाँ पर आपको एक प्लस का निशान दिया गया है, आपने इसको क्लिक करना है ऐड कैमरा। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो डिवाइस आपको यहाँ पर शो हो रही होगी जो कि आपका नंबर था इसका, इस पर प्लस करना है आपने। सो व्यूवर्स एक बात आपको मैं बताता चलूँ कि ये कैमरा विदाउट इंटरनेट आपके मोबाइल के साथ पेयर नहीं होगा। इट्स मीन जहाँ पर आपने ये कैमरा लगाया है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर आपने ये कैमरा लगाया है वहाँ पर वाईफाई का राउटर का होना बहुत ज़रूरी है। वाईफाई का राउटर होगा तो ही आप इस कैमरा को ऑपरेट कर सकेंगे, क्योंकि ये कैमरा आईपी बेस्ड है, आप इसको लाइव कहीं पर भी लगाकर लाइव अपने मोबाइल में व्यू ले सकते हैं। सो दैट्स वाई ये कैमरा आपके इंटरनेट के साथ फर्स्ट कनेक्ट होगा। सो व्यूअर्स यहाँ पर मेरे इंटरनेट यहाँ पर शो हो रहे हैं, जो जो भी इंटरनेट मेरे अराउंड में है जो कि राउटर लगा हुआ है। सो मैं इसको डायनेमिक प्लान के साथ कनेक्ट करूँगा, जैसे मैं कंफर्म करूँगा आप देख सकते हैं कि डिवाइस कनेक्ट होने लग गई है मेरे मोबाइल फ़ोन के साथ। कैमरा जो है वो भी मेरे मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा जस्ट 1 मिनट के वेट के अंदर अंदर। वाइट भी उससे पहले भी पॉसिबल है, बट 1 मिनट इसका एक स्टैंडर्ड टाइम है कनेक्ट होने का। सो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये कैमरा कनेक्ट हो गया है मेरे फ़ोन के साथ। तो यहाँ पर मुझे दिए गए हैं कि कैमरा आपने कहाँ पर लगाया है। सो मैं एक नॉर्मली होम यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको फिनिश कर दूँगा। सो आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन में यहाँ पर कैमरा ऑनलाइन लिखा भी आ रहा है और इसके फीचर्स भी आ गए हैं। आपने जस्ट करना ही है कि प्ले को दबाना है। इसके बाद ये आपको कहेगा कि आप अपने कैमरे का पासवर्ड रखना चाहते हैं। सो यहाँ पर व्यूअर्स ये भी मैं आपको बता दूँ कि इसमें सिक्योरिटी का बहुत उन्होंने स्ट्रिक्टली इसके अंदर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का कहा गया है। विदाउट पासवर्ड भी आप इस कैमरा को ऑनलाइन नहीं देख सकते। सो जैसे ही ऑप्शन आए आपने सेट पासवर्ड करना है। पासवर्ड आप कोशिश करें कि बहुत ही इजी रखें, जिसको आप इजीली याद रख सकें। लेट्स सी, मैं यहाँ पर एडमिन 1 ईजी पासवर्ड होता है जो कि आप इजीली याद रख सकते हैं, या कोई भी चाहे तो पासवर्ड आप रख सकते हैं। कंफर्म करना है आपने। उसके बाद यहाँ पर आपकी गूगल ड्राइव में आपको पूरी तरह सेव करना है, अगर आप करना चाहते हैं ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो अभी कोई बात नहीं। अब ये कैमरा है जो है ये आपका ऑनलाइन हो गया है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ऑनलाइन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कैमरा अपनी जो कि प्रिंट है यहाँ पर आपको उसने शो करना स्टार्ट कर दिया है। सो बहुत ही अच्छे से ये इसका प्रिंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शो हो रहा है। इसके जो फर्दर फीचर्स हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पर आपका कैमरा लगा हुआ है वहाँ की आवाज़ भी इसके अंदर रिकॉर्ड हो तो आपने इस फीचर को ऑन कर देना है। सो उसके अलावा व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप चाहें तो एक एट ए टाइम 4 कैमराज भी आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। एसडी कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, अगर आपने प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, अगर आपने एचडी प्रिंट में रिकॉर्डिंग करनी है तो आपने एचडी दबाना है, और अगर आप एसडी में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप एसडी का बटन यहाँ से आप पुश कर सकते हैं। एचडी मीन कि आपका हाईली डेफिनेशन अच्छी वीडियो रिकॉर्ड होगी आपकी। उसके अलावा व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवाज़ का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर कैमरा लगा है वहाँ की अगर आप आवाज़ें भी सुनना चाहते हैं तो इसको आपने क्लिक करना है। उसके अलावा व्यूअर नीचे आए तो ये स्नैपशॉट है जिससे आप पिक्चर ले सकते हैं अराउंड की कैमरे के, और ये रिकॉर्डिंग है। आप जैसे इसको क्लिक करते हैं आपका जो कैमरा है वो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। अगर आपने एसडी कार्ड लगाया है तो एसडी कार्ड के अंदर रिकॉर्ड होगी, अदरवाइज अगर नहीं लगाया तो आपके मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट होगी, रिकॉर्ड होगी। इसी को आप पॉज करके दोबारा से देखना चाहें तो ये रिप्ले के अंदर आपका ये जो क्लिप है वो सेव हो जाता है। सो इसी तरह इसका जो फर्दर ऑप्शन है मोर है, इसके अंदर अगर हम चलें तो इसमें कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं आपको दिए गए, और अगर आप फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं व्यू तो आपने इसको क्लिक करना है। व्यूअर्स आप देखते हैं कि इस कैमरे का जो रिज़ल्ट है बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही गुड क्वालिटी का रिज़ल्ट है, जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इस कैमरे का रिज़ल्ट है। सो व्यूअर्स ये जो था इसका आज का कंप्लीट रिव्यू। सो इस कैमरा को ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, xiaomistore.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं डायरेक्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो व्यूअर्स।
सो ये तो था आज का इसका रिव्यू. इस कैमरा को ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसके अलावा xiaomistore.com वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. सो व्यूअर्स, हम यहाँ पे प्राइस इसलिए मेंशन नहीं करते क्योंकि इसमें प्राइस में फ्लक्चुएशन होती रहती है, कभी प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पर प्राइस आपको मेंशन करके नहीं बताते. बहुत सारे लोग इस चीज़ का गिला करते हैं. सो उसका जवाब ये है, सो अगर आप इसकी प्राइस देखना चाहते हैं या इसका ऑर्डर देखना चाहते हैं तो उसका जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप xiaomistore.com वेबसाइट को विज़िट करें. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.